Hello, my dear friends. I'm Ravi Purohit and I'm part of the Skill Hub channel. And you are watching this video for the information of Engineering Admission 2020. My dear friends, हमने ये the Skill Hub channel 2 साल पहले बनाया था और Engineering Admission related information देने के लिए बनाया था और उसपे हमें बहुत अच्छा response मिला है. हमें इस साल भी queries आ रहे हैं कि इस साल भी आप admission related videos बनाएं. So हम आपके लिए ये exclusive videos ला रहे हैं. अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एडमिशन प्रोसेस कैसे होगी और ऑन व्हाट बेसिस एडमिशन विल बी गिवन एंड मेनी क्वेश्चंस आर देन दे माइट बी देयर इन योर माइंड. सो हम इस सारे सवालों के जवाब देंगे. सो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एडमिशंस कैसे होंगे. माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एडमिशन अब की बार सीईटी होगी और उसी बेसिस पे एडमिशंस होंगे जैसे लास्ट ईयर होते थे. लास्ट ईयर तक कैसे एडमिशंस होते थे? ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी मार्क्स एंड बोर्ड्स में कुछ मिनिमम क्राइटेरिया था. इफ यू आर फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया देन ऑन द बेसिस ऑफ सीईटी मार्क्स एंड जेईई मार्क्स दोनों में से एक उनके बेसिस पे एडमिशंस प्रोसेस पे आपको एडमिशन मिलता था. बट अब की बार आपको सिचुएशन पता है ड्यू टू कोविड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से कि किस बेसिस पे एडमिशन होगा. अभी तक तो यही कह रहे हैं कि सीईटी होगी और उसी बेसिस पे एडमिशन होगा. बट कुछ कह नहीं सकते दोस्तों कि कैसे एडमिशंस होंगे. अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी आपको यही कंसिडर करना चाहिए कि सीईटी एग्जाम होगी और आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए. क्योंकि अगर सीईटी एग्जाम नहीं होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड मार्क्स द एडमिशंस मे हैपन. सो दोनों सिचुएशन लेके चलना है. यू शुड ट्राई फॉर द बेस्ट एंड यू शुड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. सो आपको क्या करना है, आपको स्टडी करते रहना चाहिए. आपको सीईटी रिलेटेड आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए. अगर उसमें नहीं होता है तो आपके बोर्ड्स बेसिस पे एडमिशंस हो सकते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही एडमिशन होंगे. अब अगर सीईटी होती है तो सीईटी बेसिस जेईई बेसिस पे, या अगर सीईटी नहीं होती है तो बोर्ड बेसिस. सो आगे अपडेट्स मिलते रहेंगे, गवर्नमेंट इस पे क्लैरिटी देती रहेगी और द स्किल हब चैनल ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहेगा रेगुलर बेसिस पे. सो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करना है. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए सीईटी के लिए. अगर सीईटी होती है तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए. अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए. आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए, क्योंकि हम अभी यहाँ से रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहेंगे इंजीनियरिंग एडमिशन रिलेटेड जो ये 2020 में होने वाले हैं. उससे रिलेटेड साइट्स कौन से हैं, आपको फॉर्म कैसे भरना है, आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, कैसे एडमिशन प्रोसेस होता है, कुछ स्कीम्स क्या होते हैं गवर्नमेंट्स के, ये भी हम आपको बताते रहेंगे. लास्ट ईयर भी हमने कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो आप रेफर कर सकते हैं. क्योंकि फ्रेंड्स ऐसे नहीं होता कि इमीडिएटली प्रोसेस पूरी चेंज हो जाती है. प्रोसेस वही रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स सिमिलर ही रहेंगे. कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर लगेंगे तो हम आपको बता देंगे. बट अभी आप हमारे पुराने वीडियोस फॉलो कर सकते हैं और आप अभी उस पे देख सकते हैं वो वीडियोस और वो रेफर करते रहिए. माय डियर फ्रेंड्स, अभी जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखिए. अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बना लीजिए और वो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए. अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आप कलेक्ट कर लीजिए और वो आप अगर आप वो क्लियर नहीं है तो उनको क्लियर रखिए सो दैट कि आप कोई प्रॉब्लम में ना आए. सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप क्लियर होंगे कि आपको क्या करना है. मैं फिर से बता देता हूं, आपको सीईटी के लिए प्रिपेयर करना है खुद को और आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखने हैं. बाकी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे. सो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशन मिलता रहे. और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, तब तक आप यूट्यूब में सर्च कीजिए द स्किल हब चैनल. आप इसी चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं सो उस रिलेटेड आप उस ये हमारे वीडियोस की लिस्ट देख लीजिए और उसमें आपसे रिलेटेड जो जो वीडियोस हैं वो देख लीजिए. सो आपको जो वीडियोस काम आएंगे वो है द स्टेट मेरिट रैंक क्या होता है, ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले क्या करना है, और ये अब इंजीनियरिंग पढ़े फ्री में, मतलब
TFW स्कीम क्या होती है, इवन ओपन स्टूडेंट्स वो बहुत कम फीस में इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मतलब निग्लिजिबल फीस, सो इंजीनियरिंग फ्री में पढ़ सकते हैं आप. सो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी है. एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है, सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होती है, वो सारे वीडियोस हमने बनाए हैं. और यहाँ पे इंजीनियरिंग कट ऑफ लास्ट ईयर 2019 के लिए हमने ये बनाया था. सो इसमें जो ये डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ्स रहेंगे वो 2018 के रहेंगे. इस साल भी हम वीडियो बनाएंगे कि इंजीनियरिंग कट ऑफ फॉर 2020 क्या रहेगा. सो परसेंटाइल क्या होता है, फिर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इंजीनियरिंग डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन फॉर्म भरने से पहले क्या आपको प्रिकॉशंस लेना है, और TFW सीट ग्रुप क्राइटेरिया क्या होता है, ये हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं स्टेप बाय स्टेप. एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, ये सारी वीडियोस अवेलेबल है द स्किल हब चैनल पे. और मैंने एक स्पेशल प्लेलिस्ट भी बनाई है इंजीनियरिंग एडमिशन 2020, आप वो भी देख सकते हैं. सो ये पहली प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं आप और उससे रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं. सो इन्फॉर्मेशन लेते रहिए क्योंकि यही इन्फॉर्मेशन आपको काम आएगी. आप इंजीनियरिंग में अगर एडमिशन लेना ही चाहते हैं तो ये चैनल आप जरूर देखिए और कंटिन्यूस बेसिस पे आप इस पे अपडेटेड रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और उन वीडियोस में बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है. अगर आपको कोई भी डाउट है मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. तब तक पुराने वीडियोस देखिए और पढ़ते रहिए, अच्छे मार्क्स लाइए और ये चैनल अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आप सब लोग कनेक्टेड रहें इस चैनल से. थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.